अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, माय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबका रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। व्यूअर्स, मेरा स्केड्यूल बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है, बहुत ही टफ़ हुआ है, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। सो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर मैंने स्टिचिंग की वीडियोज़ या मेजरमेंट की वीडियोज़ नहीं अपलोड करी हैं तो मैं आप लोगों के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करूँ। तो आज तो मेरे पास आर्टिकल मौजूद हैं, एक ओरिजिनल है और एक रेप्लिका है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका मेरे पास जो है इसकी डिस्प्ले की तस्वीर नहीं है, तो चले मैं आपको सामने स्क्रीन पे तस्वीर भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला ड्रेस दिखा देती हूँ, ये मैंने किस तरह से स्टिच किया है। सामने आपके इसकी तस्वीर भी आ रही होगी, तो ये है कुछ इस तरह से, मगर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह मैंने स्टिच किया। ये देखिए व्यूअर्स, ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये इसका बॉर्डर है, यहाँ पर डोरी पाइपिंग लगाई है, इसके फ्रंट पे येलो है तो येलो पे मैंने ऑरेंज कलर की पाइपिंग यूज़ की, डोरी पाइपिंग, और पीछे जो बैक है इसका वो ऑरेंज है तो वहाँ पर मैंने येलो कलर की पाइपिंग यूज़ की है ताकि इन्हेंस हो। ओके जी, अब ये गला है, गला कुछ इस तरह से है, जिस तरह के उसके डिस्प्ले पे बना हुआ है सेम वही मैंने यहाँ पर बनाया है। अच्छा, स्लीव्स मैंने कुछ इस तरह बनाई हैं क्योंकि स्लीव्स यहाँ पे छोटी थी तो मैंने यहाँ पर पिनटेक्स डाल दी हैं स्लीव्स पे इस तरह से, और फिर हमने स्लीव्स बना ली इस तरह से, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अच्छा, अब मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ, ये मीडियम साइज़ है। मीडियम साइज़ किस तरह है, 22 इसका चेस्ट है और 22 इसकी कमर है, 23 इसके हिप हैं, ठीक है। ये टोटल मेजरमेंट है और आप लोग चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो अगर आपको फ़िटिंग चाहिए तो आप फ़िटिंग दे लें, मगर इसमें फ़िटिंग नहीं है, ये कुर्ती है तो कुर्ती स्टाइल बना हुआ है तो इसलिए मैंने इसकी फ़िटिंग नहीं दी है। तो चलें जी, अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। दूसरे आर्टिकल पर आने से पहले मैं आपको चीज़ दिखा दूँ, देखिए ये ट्राउज़र है, मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, ये इसके पैचेस हैं, ये भी एम्ब्रॉयडरी होने रहते हैं तो ये भी फुल स्टिच नहीं हुआ है। तो चलते हैं आप दूसरे आर्टिकल की तरफ। ये देखें जी, दूसरा कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये देखना, ठीक है। ओरिजिनल कुर्ती और दुपट्टा है, 2 पीस है, तो मैं आपको इसकी कुर्ती दिखाऊंगी जो मैंने स्टिच की है। मेरे पास ये स्टिचिंग के लिए आया था, तो चलें इसको डिस्पैच डिस्पोज करते हैं। पहले मैं आप लोगों को इस तरह से दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए, उसके बाद मैं डिटेल बताती हूँ, ठीक है। इस तरह से ये सूट है। अच्छा जी, पहले मैं आपको इसकी चौक बता दूँ, ये मैंने चौक किस तरह बनाए हैं, ये देखें इस तरह से बनाए हैं पट्टियाँ लगाकर, ये देखते हैं। ये बिल्कुल बुटीक स्टाइल का सिला हुआ है, बिल्कुल भी सिलाइयाँ नज़र नहीं आ रही हैं और पट्टी भी इस तरह शो की है कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, बहुत फिनिशिंग से देखने लगी हुई है। ये सब मैंने खुद स्टिच किया है, ठीक है, ये पूरा ओवरऑल चौक दामन पर मैंने लगाया है। अच्छा जी, उसके बाद हम स्लीव्स बना दिखा देते हैं। स्लीव्स पे देखिए मैंने इसी तरह किया, ठीक है, और लगाने के बाद इस तरह से मैं क्लोज़ कर देती हूँ ताकि धागे ना निकलें, ठीक है। ये देखें, ये भी बहुत फिनिशिंग के साथ है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये आ गया गला, ये गला देखें, ये प्लेकेट्स टाइप का बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। अच्छा, प्लेकेट्स टाइप का ही इसलिए बना है, और इसमें क्योंकि मैं दूसरा कपड़ा भी लगा सकती थी बट ये मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा कि इस तरह बनाया जाए तो फिर मैंने इस तरह से लगाया। प्लेन कपड़ा यूज़ नहीं किया है प्लेकेट्स के लिए, मैंने इसी के फैब्रिक को यूज़ किया है, ये अलग है और ये अलग है, डिज़ाइन भी हो गया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा खुला हुआ है इस तरह से, फिनिशिंग के साथ हमारा ये भी रेडी हो चुका है। अच्छा जी, ये भी मीडियम साइज़ है, ठीक है, 12 इसके चेस्ट हैं और 22 इसके चेस्ट हैं, 22 ही इसकी कमर है और 23 इसके हिप हैं और 23 ही इसका दामन यानी कि बॉर्डर है। तो जी, ये है हमारी आज के डिज़ाइन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। और व्यूअर्स, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर नए आइडियाज़ के साथ, नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।